हवा चलती रहती है, और अगर बैठी हूँ तो गर्मी फील हो रही है, और मैं पानी का बोतल साथ में लेके आई हूँ और मैं इसको भी पी लेती हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं मालती आप सबको वेलकम करती हूँ मेरी मालती ब्लॉग में, एक नए वीडियो देखने के लिए, ब्लॉग वीडियो देखने के लिए जो कि जुड़ा हुआ है नेचर से। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत पार्क के अंदर में। चलिए फिर। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो पीला वाला फूल, और यहाँ पे जो कागज़ का फूल, यहाँ पे किसी का कोठी है, और इसमें जो लगा हुआ है ना, देख के मुझे बस वो वाला गाना याद आ रहा है, उसको गुनगुनाने का भी मन कर रहा है मुझे, लेकिन इतना बेसुरा मैं गाना गाती हूँ फिर भी गुनगुनाई देती हूँ। देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, कितना हसी है एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है। सच में ये गाना ना इसमें जमता है, इतना प्यारा लग रहा है ना ये फूल, क्या बताऊँ फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता वीडियो में आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा, मैं जो यहाँ आती हूँ और इन चीज़ों को छूती हूँ, इस फूलों को छूती हूँ, इसका जो खूबसूरत है उसको फील करती हूँ मैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और गाना भी गुनगुनाने का मन करता है। जो भी है, बेसुरा सा मैंने गाना गाया है, आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, और ये जो नेचर है बस इसको आप लोग इंजॉय कीजिए, इतना प्यारा है ना। चारों तरफ चिड़ियों की गुंजाहट, ये जो एक छोटा सा पार्क है यहाँ पे मैं अभी एंटर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख ही पा रहे हो मैं आ गई हूँ एक प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत एकदम प्रीटी सा एकदम ग्रीनरी से भरा हुआ पार्क में, और यहाँ पे जो है मुझे आ रहा है बहुत मज़ा, बहुत आनंद, बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारे पंछियाँ है, बहुत प्रकार का फूल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, चारों तरफ आप देख पा रहे हो पूरा ग्रीनरी से भरा पड़ा हुआ है, पेड़ पौधे से भरा पड़ा, छोटा सा पार्क है लेकिन है बहुत ही प्यारा क्यूट सा एकदम। ये देख पा रहे हो सामने ये पीला पीला जो फूल है ना, बहुत प्यारा सा खिला पड़ा है यहाँ पे, उसके बीच में रेड है, उसके बगल में फिर पीला है, इसका कॉम्बिनेशन जो लग रहा है ना बहुत ही प्यारा सा। वहाँ पे देखो कितना प्यारा सा एक पंछी जो है आके बैठा हुआ है यहाँ पे, बहुत अलग 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 वैरायटी का पंछी देखने को मिल रहा है। सामने उधर में भी पूरा ग्रीन ग्रीन से भरा पड़ा हुआ है एकदम। तो दोस्तों, यहाँ पे ये पार्क है तो बहुत छोटा सा लेकिन है बहुत प्यारा सा, और यहाँ पे जो पंछी है ना वो देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कैमरे में कैद नहीं कर पा रही इनको, ये फटाफट से उड़ जा रहा है इधर उधर। और वो देखो सामने दो ठो प्यारा प्यारा सा बच्चा जो लोग खेल रहे हैं। वो देखिए सामने बहुत सारा चिड़िया जो है चें 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 करने लग गए, वो जो गा रहा है। ये ना अलग ही पंछी है, इसको मैंने पहले देखा नहीं। और आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे भी बहुत सारा फूल खिला हुआ है, यहाँ पे भी वो पीला वाला फूल भी है और ये सब भी है सब, और इधर से देखिए सफ़ेद लाल, और वहाँ पे बीच में एक तो कदम का पेड़ है, और यहाँ पे हमारा देश का झंडा लहरा रहा है, और वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे फूल भी हैं। इस फूल का मेरे को नाम नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों, अभी मैं ये वाला पार्क घूम लिया, छोटा सा था घूम लिया, अभी एक पार्क और भी है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, वो भी प्यारा सा है, फूलों से भरा पड़ा हुआ है, बट वहाँ पे चिड़िया है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, अभी वहाँ पे चलती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और कुछ दिखाई नहीं देगा अच्छे से। चलिए फिर वहाँ पर जाते हैं अभी।
फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो, वो देखो छत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा एक पीकॉक जो है बैठी हुई है, बैठा हुआ है, मतलब ये मेल है। बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन अंधेरा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये पीकॉक। आप लोग देख पा रहे हो कितना प्यारा सा, एक और मैंने देखा अभी उड़ के इधर से गया, वो देखो वो सामने रहा, दो ठो वहाँ पे है, वो है मोरनी, दो वहाँ पे जा रही है एक ठो, हाँ वो ना वो छत के ऊपर बैठा हुआ है, वो नाश्ता बहुत अच्छा, ये यहाँ पे खाना दे के रखा है ना, खा रहे वो तीन ठो यहाँ पे, तीन ठो वो आने लग गया अभी खाने के लिए, अरे खाना खा रहा है अभी। अरे यहाँ पे देखो कितना सारा फूल, फूल पूरा फूलों से भरा पड़ा हुआ है। मैं जो है थोड़ा पास जाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे लगता है मुझे देखते ही ये जो है भाग जाएगा, जो मैंने सोचा था वही हुआ, ये डर के मारे भाग रहा है। चलो जो है आज इतना तक देख लिया, अब जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे हो दो तीन तो चिड़िया, यहाँ पर चिड़िया लोगों को पानी खाना सब दे के रखा हुआ है ना, इसलिए लोग यही धीरे रहता है, तो पैरों में ना बहुत सारा है। और वो रहा एक ठो उड़ गया, कई सारे पक्षियां हैं, प्यारा प्यारा छोटा छोटा सब पक्षियां उड़ते ही रहते हैं, फुर 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 फुर, रुकने का नाम ही नहीं लेते लोग। ये रही बैठी हुई, इसको हम बांग्ला में बोलते हैं मोइना पक्षी, इसका नाम। तो दोस्तों आप लोग सुन पा रहे हो मोर का आवाज़ कैसे। फ्रेंड्स मैं वो पार्क आ गई हूँ जिसमें बोली थी कि जाऊँगी अभी, उसका मैं गेट ही ढूंढ रही हूँ, कहाँ पे है गेट, गेट अभी तक दिखा नहीं। तो ये है गेट, अभी मैं अंदर जा रही हूँ। ये है वो ब्यूटीफुल सा प्यारा सा पार्क, तो आप लोग ये फूल देखो कितना प्यारा प्यारा सब फूल है। अभी गर्मी आ गया ना तो ये ख़राब होने लगा है, बाकी सर्दियों में लगता है और ज़्यादा सुंदर सा था। अभी लाइट भी ऑन हो गया क्योंकि अंधेरा होने को आ गया। इधर साइड में ज़्यादा अच्छे से फूल खिला हुआ है, बहुत ही सुंदर सा एकदम लग रहा है, एकदम इधर से ज़्यादा अच्छा लग। और ये देखो इधर में भी बहुत सारा है, एकदम खिला पड़ा हुआ है, उधर में भी था, यहाँ पे भी है पूरा। मैं कल यही सब फूल देख के गई थी और देख के जाके फिर मैं आज आई हूँ वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। फ्रेंड्स तो आप लोग मेरे को बताना ज़रूर आप लोगों के फूल कैसा लगा, मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा है देखिए। और यहाँ पे अरबी का पेड़ भी लगा के रखा है, इसको हम लोग कोचू बोलते हैं बांग्ला में, तो ये अरबी का पेड़ है यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स पूरा पार्क मैंने घूम घूम के देख लिया, आप लोगों को दिखा दिया, बहुत ही प्यारे प्यारा फूल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है, छोटा सा पार्क है, बहुत बड़ा नहीं है। एक बार आपको बैक कैमरा करके पूरा पार्क का व्यू जो है दिखा देती हूँ,
यहाँ पे ये देख सकते हो कि यहाँ से सब एक्सरसाइज करने के लिए सब एक्सेसरीज लगा हुआ है इधर, और इधर में एक तो गेट है जो बाहर जा सकते हैं, और इस सुंदर सा, और बाकी यहाँ पे बैठने बैठने के लिए सब जगह बना कर रखा हुआ है। मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा सा बैठ ही जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, बैठ के सब देखती हूँ बच्चे लोग क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ से मुझे अभी जाना है सिर्फ घर पे, रुकना नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घूम लिया, पूरा इधर उधर सब जगह घूम लिया, मोर वो देख लिया, मुझे बहुत आनंद आया आज। और मैं अभी यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर बच्चे लोगों का खेल कूद सारा इंजॉय करूँगी, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। घूम घूम के प्यास लग गया दोस्तों, हुमस हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी घूमने से पता नहीं चलता, हवा चलती रहती है, और अभी बैठी हूँ तो गर्मी फील हो रही है। और मैं पानी का बोतल साथ में लेके आई हूँ, और मैं इसको भी पी लेती हूँ थोड़ा। पे बैठ गई हूँ फूलों के साथ में अपना वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। अब देखो कितना प्यार, मेरे को फूलों से बहुत प्यार है, जहाँ पे फूल दिखता है मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, या फिर फोटो निकालने के लिए चिपक जाती हूँ फूलों के साथ में। चारों तरफ अभी जाने चले जाएंगे बस। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे बैठे बैठे हो गया है अंधेरा, मतलब 7 बज गया है, तो मैं अभी बहुत देर हो गया, सब लोग भी पार्क खाली भी हो गया है, 2-4 जने हैं, तो अभी मैं घर के लिए निकल रही हूँ। और आज का जो ये ब्लॉग है यहीं पे समाप्त करके घर पे जाती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, नए किसी पार्क में, नए कोई चीज़ में। तब तक के लिए आप लोग सब लोग खुश रहिएगा, मज़े में रहेगा। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जो नए दोस्त लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए बाय बाय, शुभ संध्या, हम बांग्ला में बोलते हैं शुभ संध्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, आप लोग समझ लीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं।